Amid the assembly session, protests continues in crisis-hit Manipur, even as protesters stated that they will protest during all the 5 days of the winter assembly session. Women team of Imagi Mera held protests at Khoyathong, situated on the way to Manipur Legislative Assembly. Imagi Mera team had been pressurizing the speaker to take action against Kuki MLAs and has also been urging the state government to take initiatives to resolve the crisis in Manipur. Meanwhile, protests were also held at Women Market and other places in Imphal. ये धरना किस लिए हो रही है? हाँ, ये धरना इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा स्टेट का आज से शुरू हो रहा है असेंबली. आज गवर्नर का एड्रेस है, तो हम लोग का पहले से मांग था 10 कुकी एमएलए के ऊपर उसका जो भी पॉसिबल है वो करने के लिए, सजा दो या ना दो, पर प्रोसेस तो करना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग सेपरेट मांग रहा था, फिर भी वो नहीं करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार भी एक गलती और भी कर चुका है, क्योंकि पहले का वो दो वुमेन का तो उसने बात हुआ था, उसके बाद वो साइलेंट था 10 महीने, तो उसके बाद कल परसों के बाद में उसने एक हमारा मिनिस्टर मेमचा किगेन वो सेपरेट मांग कर रहा था, उसी का भी उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस रख करके उसको मतलब अप्रिशिएट कर रहा था. पर ये हम लोग का अभी के टाइम में ये थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि अभी बहुत जल रहा है मणिपुर में, दो हर जगह जल रहा है, तो इसका तो एक बार भी वो बोलता नहीं है. कम से कम हमारा एक बेटी भी मर चुका था, वो स्टूडेंट था, उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया, उसका भी थोड़ा सा उसको कंडेम करना चाहिए था ना. ऐसा कुछ भी नहीं किया मैकई का, तो ना कुछ किया है ना कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता है वो करने वाला है, क्योंकि सेंटर पूरा सपोर्ट कर चुका है ऐसा लगता है प्रजा लोग को. इस बार भी उसने मिनिस्टर को अप्रिशिएट करके हम लोग को दुखी कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए. वो प्राइम मिनिस्टर है, सबका रक्षा करना उसका फर्ज है, स्टेट हर जो भी स्टेट हो उसी का जो आग चल रहा है उसको बुझाना उसका काम था, पर ऐसा नहीं कर रहा है. तो हमारा मांग है, हमारा स्टेट का अभी असेंबली चल रहा है, हमारे स्टेट का जो भी ऑनरेबल सीएम है या जो भी है 50 MLA वो बैठा है, कुकी के भी साथ में बैठेगा ऐसा तो न्यूज में आ रहा है, पर कौन कौन बैठा है अभी तक तो पता नहीं है. पर रिक्वेस्ट है, कल सू का एग्रीमेंट खत्म है, हम लोग को नहीं चाहता है सू आगे बढ़ने के लिए, हम लोग ने मांग किया था सू निकालने के लिए, एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ने के लिए, पर ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा लोग को बहुत दुखी होगा. इसीलिए हमारा स्टेट का जो भी MLA है जो भी मिनिस्टर है सोच समझ कर असेंबली बैठिए, और प्रिविलेज इथिक कमिटी से बैठा तो चुका है फरवरी 13 में, पर रीजन तो अभी तक कुछ पता नहीं है. पर माँ की महिला की तरफ हर माँ लोग की तरफ से मांग था, उसी का भी कुछ फाइनल रीजन ना होने से भी कुछ तो डिस्कस करने के लिए हम लोग ने मांग किया था, वो भी कीजिए, क्योंकि नहीं करेगा तो सब दुखी हो जाएगा और भी आग जल जाएगा. माँ का भी पूरा का पूरा अभी तो पूरा डाउन हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया है, हर जगह हमारा बच्चा ही मर रहा है, वो फ्यूचर का ही है, वो इस तरह का विलेज वॉलंटियर नहीं बनना चाहिए. अभी 12 का एग्जाम भी देखो वो लोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले तो विलेज का पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, यही विलेज वॉलंटियर करते रहते हैं, और अभी एग्जाम आ रहा है वो लोग का भी वही का प्रॉब्लम हो रहा है. इसलिए जल्द से जल्द जो भी आग लग रहा है मणिपुर में वो बुझा दीजिए, इसी का रिक्वेस्ट है. हम लोग सिर्फ इन प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, 5 दिन बैठेगा बता रहा है, हम लोग भी 5 दिन बैठूंगी, हमारा इमाद की तरफ से 5 दिन हम लोग इस तरह का सिर्फ इन प्रोटेस्ट करते रहूंगी. रीजन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव रीजन होना चाहिए स्टेट सरकार को, सेंटर सुनो या ना सुनो, एक इधर से बिल पास करके उधर भेज देगा तो कुछ ना वो लोग सोचेगा ना, वही है हमारा मांग.